इंदौर में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। पहले यहां के महू में सेना के जवान की मौजूदगी में उसकी महिला मित्र के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। अब सेना के ही एक जवान के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने अपनी महिला मित्र के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात इंदौर के एक होटल में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां आरोपी ने पीड़िता के साथ भारी दरिंदगी की। पीड़ित महिला शनिवार सुबह को महिला थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए होटल से ही आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता सुबह सुबह थाने पे आ गई थी और रो रही थी। वो बता रही थी कि रात में उसके दोस्त के साथ वो रोती थी और उसके साथ उसने गलत काम किया है और उसके तो काफी दिक्कत हो रही थी। तो जैसे उसने बताया वैसे ही हम लोग चले गए थे वहाँ पे होटल में और उसको पकड़ के ले आए। वो आर्मी में नायक के पद पे पदस्थ है, अभी वर्तमान में उसकी पोस्टिंग असम में है। इसकी एक साल पहले आर्मी कैंटीन में मुलाकात हुई, जैसा उसका कहना है पीड़िता का। इसको क्या ब्लैकमेल करके बुलाता था या क्या करता था? ब्लैकमेल भी कर रहा था उसको, कुछ पैसे वैसे भी ले लिया है उसको। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो असम में सेना में पदस्थ है। आरोपी जवान छुट्टी पर इंदौर आया हुआ था, यहाँ पर वो एक होटल में रुका हुआ था। तभी पीड़ित महिला, जो उसकी पुरानी परिचित भी बताई जा रही है, उससे मुलाकात करने पहुंची थी, जिसके बाद आरोपी ने होटल में पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि ये एक ही हफ्ते के अंदर इंदौर में दुष्कर्म की दूसरी बड़ी घटना है, जिसके बाद लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले महू में आर्मी जवानों की महिला मित्र के साथ भी गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।